नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, सवाल है 2.8765 हेक्टेयर में कितना बीघा, कितना कट्ठा, कितना एकड़ होगा, इसको जानेंगे। ये देख लीजिए, यदि आपके खतौनी में दर्ज है 2.8765 हेक्टेयर टोटल है, तो ये कितना कट्ठा होगा, कितना बीघा होगा, इसको देख लीजिए। सबसे पहले लग्गी और कट्ठा और बीघा को समझ लेते हैं। लग्गी बराबर 5.5 हाथ और फुट में बदलेंगे तो 8.25 फुट होता है, 8.25 फुट। एक धूर का मान लग्गी वर्क कर दीजिए, यानी 8.25 का वर्क कर दीजिए, लग्गी वर्क। जैसे कि यहाँ पर प्लॉट को यदि आप मापेंगे लग्गी से, तो 8.25 फुट लंबाई और 8.25 फुट चौड़ाई होगा, ठीक, एक धूर बराबर। और एक धूर बराबर वर्ग फुट में निकाल लीजिए, 8.25 गुणा 8.25 बराबर 68.0625 वर्ग फुट होता है, स्टैंडर्ड है ये। आपके पास लग्गी अलग अलग हो सकता है। चलिए अब हम देखेंगे एक कट्ठा कितना होता है। तो एक कट्ठा बराबर लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर होता है, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। इसलिए 20 गुड़ा वर्ग फुट निकालेंगे तो 20 गुड़ा 68.0625 कर दीजिए, तो बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होता है, ठीक, इतना वर्ग फुट होता है, 1361.25 वर्ग फुट होता है। इसको हेक्टेयर में बदल लीजिए, एक हेक्टेयर बराबर जानते हैं 1,08,900 वर्ग फुट होता है। लिख लीजिए, यहां पर भाग कर लीजिए, देख लीजिए, एक हेक्टेयर बराबर 1,08,900 वर्ग फुट होता है, इतना वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट। अब इससे भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है 0.0125 हेक्टेयर होता है, इतना हेक्टेयर होगा। एक कट्ठा बराबर कितना होगा ये देख लीजिए, 0.0125 हेक्टेयर होगा एक कट्ठा बराबर। लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर इतना हेक्टेयर होता है। अब सवाल है हमारे पास, क्या सवाल है, सवाल हमारे पास है 2.8765 हेक्टेयर में कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना एकड़। तो देख लीजिए, यहाँ पर 0.0125 हेक्टेयर से भाग कर दीजिए तो आप कट्ठा निकाल सकते हैं, तो बराबर होगा 230.12 कट्ठा होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीका से वर्ग फुट से भाग करके निकालना चाहेंगे, जैसे एक कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है, तो इससे कैसे भाग करेंगे देख लीजिए, इससे भाग करके कैसे निकालेंगे। इससे पहले इसको जो है वर्ग फुट में बदलना पड़ेगा। देख लीजिए, 2.8765 है, इसको वर्ग फुट में बदलने के लिए, इस हेक्टेयर के रकबा क्षेत्रफल को वर्ग फुट में बदलने के लिए देख लीजिए, आप जो है 1,08,900 से गुणा कर दीजिए। इससे गुणा करने पर इसका इनस्वर आता है, लिख लीजिए इसका इनस्वर को, बराबर होगा 3,13,250.85 वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, इतना वर्ग फुट होगा। यहाँ पर लिख लीजिए आप 2.8765 हेक्टेयर बराबर इतना वर्ग फुट होगा, ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब इससे भी आप भाग कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर भाग करेंगे, एक कट्ठा बराबर कितना होता है 1,361.25 वर्ग फुट होता है, तो भाग कर लीजिए कैलकुलेट, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो 230.12 कट्ठा होगा। इसी तरह बीघा का मान देख लीजिए, अब कितना बीघा होगा, 2.8765 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा, इसको देख लीजिए सबसे पहले।
तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आप जानते हैं एक बीघा बराबर, लिख लीजिए एक बीघा, एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा लिख लीजिए 20 कट्ठा, तो 20 गुड़ा 1361.25 कर दीजिए, एक बीघा का मान वर्ग फुट में निकल आता है, गुड़ा कर लीजिए, देख लीजिए इसको गुड़ा करने पर बराबर होता है 27,225 वर्ग फुट, स्टैंडर्ड बीघा है, मानक बीघा वर्ग फुट, ठीक इतना वर्ग फुट होता है। अब हेक्टेयर निकालना है चाहेंगे तो सेम पहले की तरह ही आप हेक्टेयर निकाल सकते हैं, जैसे एक हेक्टेयर बराबर 1,08,900 वर्ग फुट है तो बराबर होगा 0.25 हेक्टेयर, या 0.0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, इतना हेक्टेयर होगा। यह देख लीजिए यहां पर लिख सकते हैं एक बीघा, एक बीघा बराबर कितना हेक्टेयर, देख लीजिए 0.2500 हेक्टेयर होता है एक बीघा बराबर। अब देख लेते हैं दिया गया आपके खतौनी में कितना हेक्टेयर है, 2.8765 है, इतना हेक्टेयर है। तो आप जो है 0.2500 से भाग कर दीजिए, इस तरह से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 11.506 बीघा होगा, लगभग 11.5 बीघा है प्लॉट। ये 2.8765 हेक्टेयर कितना है, लगभग 11.5 बीघा होगा। और इस तरह से इसको वर्ग फुट में भी बदल सकते हैं, देख लीजिए वर्ग फुट में यदि आप बदलना चाहेंगे तो लिख लीजिए ये जो है 2.8765 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग फुट होता है, 313,250.85 वर्ग फुट होता है, लिख लीजिए वर्ग फुट, ठीक 2.8765 हेक्टेयर बराबर 313,250.85 वर्ग फुट होता है, 313,250.85 बटे में कर दीजिए 27,225 से भाग कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, चलिए कर लेते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक मिनट, मैं ये 313,250.85 भागी कर दीजिए 27,225, ये देख लीजिए यहाँ पर भी बराबर होगा 11.506 बीघा, यहाँ पर भी सेम टू सेम 11.5 बीघा निकलता है, ठीक इस तरह से आपके खतौनी में चाहे जितना भी दर्ज हो हेक्टेयर में रकबा उसको आप बीघा काठा में बदल सकते हैं। अब एकड़ में कैसे बदलेंगे देख लीजिए, तो यहाँ पर एक एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग फुट, ये देख लीजिए इतना वर्ग फुट होता है। अब हमने बदल लिया है वर्ग फुट में हेक्टेयर को, 2.8765 हेक्टेयर बराबर 313,250.85 बटे 43,560 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये कर लीजिए 43,560 से भाग कर दीजिए तो बराबर ये 7.19125 एकड़ होगा, इतना इसको मान के चलिए 7.19 एकड़ होगा, ठीक। अब दूसरे तरीके से भी इसको भाग कर लेते हैं हम लोग, एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है इसको भी देख लीजिए, एक एकड़ बराबर 43,560 बटे में कर दीजिए
108,900 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। 43,560 भागे 108,900 बराबर, देख लीजिए 0.4 हेक्टेयर होता है, तो यहाँ 0.0 लगा सकते हैं इस प्रकार से, इतना हेक्टेयर होगा एक एकड़ में। तो देख लीजिए यहाँ भी बदल लेते हैं, कितना है 2.8765 हेक्टेयर आपके खतौनी में दिया है, एकड़ में बदल लीजिए 0.4000, दशमलव के बाद इधर जीरो कितना भी लगा सकते हैं। चलिए तो 2.8765 भागी कर दीजिए 0.4000, ये देख लीजिए यहाँ पर भी बराबर हो जाता है, यहाँ पर भी बराबर में सेम टू सेम आता है 7.19125 एकड़ होगा, इतना एकड़। इस प्रकार से आपके खतौनी में दर्ज रकबा को, हेक्टेयर में रकबा दिया गया है, उसको जो है आसानी से आप जो है इस प्रकार से बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।